देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन अगर हम केवल चार्जशीट के तौर पर बात करें, इसके लीगल एस्पेक्ट पर बात करें, तो ईडी जो अपनी चार्जशीट में आरोप लगा रही है उनके मुताबिक मुंगटा श्रीनिवासलु के बेटे राघव मुंगटा ने अपने बयान में बताया है कि उसने के कविता और अपने पिता के बीच एग्रीमेंट होने के बाद 25 करोड़ रुपए साउथ लॉबी में अभिषेक और बुची बाबू को कैश दिया था। यानी कि एक बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हुआ था, और यही वजह है कि ईडी ये दावा कर रही है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा है। ये ईडी का दावा है, ये ईडी के आरोप है, और इसी के तहत उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। और अब ईडी का कहना यह है कि वो के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर इसकी तह तक जाना चाहती है। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अतुल, राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह पर है, कानूनी लड़ाई अपनी जगह पर है, पोस्चरिंग अपनी जगह पर है, लेकिन ईडी का क्या दावा है? ईडी कितने दिन की रिमांड चाहती है? अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ईडी का दावा क्या है, ईडी के आगे का कदम क्या होगा, कितने दिन की रिमांड चाहती है ईडी? इसको ठीक करें यार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी का प्रयास ये है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड वो मांग सके। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ईडी की कोशिश क्या है, ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी इस वक्त जो प्रयास कर रही है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर वो पूछताछ करना चाहती है, और ये तभी हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिले उन्हें। देखिए मीनाक्षी, अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों ही हैं। अरविंद केजरीवाल को कल उनके सरकारी आवास से सिविल लाइन से गिरफ्तार ईडी ने किया था। इससे पहले हैदराबाद से गिरफ्तारी जो है के कविता की गई थी, और राउस एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिन की ईडी कस्टडी जो है वो के कविता को दी थी। तो के कविता कल तक जो ईडी की हिरासत में है। देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, और इस वक्त मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो आरएएफ के जवान हैं और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पे आतिशी को अब डिटेन करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि सौरभ भारद्वाज को पहले ही डिटेन किया जा चुका है, और यहाँ पे अब आतिशी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख पा रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, चाहे आरएएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, या फिर अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के जवान हो।